students, how are you? I hope you are all fine and stay at home. Now we are discuss our next topic of the intermolecular force of attraction is London force or dispersion force. Firstly, we are discuss what do you mean by dispersion force or London force. Okay, तो बेटा सबसे पहले लंदन फोर्स को किसने प्रपोज किया था बेटा? लंदन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नेम के बेस पे इस फोर्स को क्या बोला? लंदन फोर्स। इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है? डिस्पर्सन फोर्स। क्योंकि बेटा इसका जो डिस्पर्सन फोर्स कैसे आया? डिस्पर्सन वर्ड से आया। डिस्पर्सन का मतलब होता है बेटा यहाँ पर जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या हम ये कहते हैं मोनो एटॉमिक जो एटम्स होते हैं या हम कहें कि नॉबल जो गैसेस हैं उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? और वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है सम टाइम के लिए, इसीलिए इस फोर्स का नाम डिस्पर्सन फोर्स भी है, ठीक है? तो बेटा क्या होता है ये लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स होता क्या है? उससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है? एक्चुअल में ये दोनों जो ये एक ही है, ये फोर्स जो होता है वो मोमेंट्री डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच का होता है। अगर हम ये कहें कि मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या, तो इंड्यूस डाइपोल तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो था या फिर नोबल गैस का जो एटम था वो क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया, ठीक है? तो मोमेंट्री डाइपोल क्या होता है? तो सबसे पहले आपको समझना है मोमेंट्री डाइपोल, ठीक है बेटा? मोमेंट्री डाइपोल क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी जो नोबल गैस का एटम है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें क्या होता है? आप सभी को पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है? I2, H2, F2, O2, N2 ये सारे क्या है? नॉन पोलर। एंड बेटा नोबल गैस, जैसे मैंने अभी यहाँ पर नोबल गैस लिया हुआ, कौन सा? हीलियम एटम लिया हुआ। अभी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल, ठीक है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए फॉर द सम टाइम, ठीक है? क्या होता है? फॉर सम टाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड is destroyed. ठीक है, सम टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओनली सम इंस्टेंट टाइम के लिए ही बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉय होता है। जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा क्या होता है बेटा? इस पर चार्ज जनरेट हो जाता है। कैसे? कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? एक पोल साइड, एक ही साइड आ गए, तो वहां पर बेटा कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव। एंड बेटा न्यूक्लियस आ गया यहाँ, जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, तो ये क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव पोल। तो क्या होता है हीलियम एटम या नोबल गैस के अंदर बेटा? फॉर इंस्टेंट टाइम या सम टाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय ड्यू टू दिस चार्ज जनरेट, ड्यू टू दिस चार्ज विल बी जनरेट। और बेटा जब चार्ज जनरेट हो जाता है तो उसको बेटा अब हम क्या बोलेंगे? मोमेंट्री डाइपोल। क्लियर सभी को? तो आप सभी को सबसे पहले ये कंसेप्ट समझ जाना चाहिए, ठीक है? देन उसके बाद हम लंदन फोर्स की बात करेंगे। तो मोमेंट्री डाइपोल क्या होता है बेटा? किसी भी नोबल गैस के अंदर या एक मोनो एटम के अंदर, एक एटम है, ठीक है, फॉर इंस्टेंट टाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉय हुआ, चार्ज जनरेट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी को हम बेटा क्या बोलेंगे? मोमेंट्री डाइपोल। क्लियर? एक कंसेप्ट समझ आ गया? आप देखो बेटा, इस मोमेंट्री डाइपोल की प्रेजेंस की वजह से जो दूसरा हीलियम एटम था, एक एटम तो ये है जिसमें चार्ज जनरेट हो गया, कब चार्ज जनरेट कब होगा?
जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉय होगा तो उसको हम मोमेंट्री डाइपोल बोलेंगे। अब इस डाइपोल की वजह से बेटा जो दूसरा हीलियम एटम था, सपोज मैं ये दूसरा हीलियम एटम यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ये एक अनदर हीलियम एटम है, ये सेकंड हीलियम एटम है। ये जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, देखो बेटा यहाँ पर है पॉजिटिव, ये क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, और वो रिवॉल्व होते होते ही तो इसमें मोमेंट्री डाइपोल जनरेट हुआ कि वो एक जगह इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, यहाँ पॉजिटिव मोमेंट्री डाइपोल बन गया। बट दूसरा जो हीलियम एटम है, जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से बेटा इस पर चार्ज जनरेट हो जाता है। तो मोमेंट्री डाइपोल की प्रेजेंस की वजह से हीलियम एटम पर चार्ज जनरेट हो जाता है, वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में वो क्या हो गया, अब देखो मैं नेक्स्ट आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल का, ठीक है। फर्स्ट आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, सेकंड है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब चार्ज जनरेट हुआ है किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम हीलियम नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं, उसकी जगह आप H2O2I2 भी ले सकते हो। तो मैंने कहा कि मोमेंट्री डाइपोल था ये वाला, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ आ गया बेटा पॉजिटिव। इसके साथ में बेटा क्या प्रेजेंट है, एक हीलियम एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मोमेंट्री जो डाइपोल है, ये बेटा क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसमें भी क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये था मोमेंट्री डाइपोल। एंड बेटा यहाँ पर जो इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा वो इस टाइप से, ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, क्योंकि बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो आपको ये वाली शेप दिखानी है, थोड़ी ये बिगेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको स्मॉल साइज दिखानी, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया है, चार्ज जनरेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। और ये हमारा क्या था बेटा, मोमेंट्री डाइपोल। एक चीज देखो बेटा, ये अभी स्फेरिकल शेप थी, अब इसका चेंजमेंट हो गया है, ठीक है, चेंज हो गई ये शेप। तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही मोमेंट्री डाइपोल की प्रेजेंस से किसी भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज जनरेट हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब क्या होगा बेटा, इस मोमेंट्री डाइपोल और इस इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में बेटा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या नेम देते हो, लंदन फोर्स, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्टरबेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्पर्सन फोर्स भी नाम देते हैं इसका, ठीक है। तो लंदन फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स बिटवीन और वीक फोर्स, फोर्स कैसा होता है, ये वीक होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये वीक फोर्स होता है किसके बीच में, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में या एटम के बीच में, ठीक है, नोबल गैसेस के एटम ही होते हैं, तो उनके बीच का एक वीक फोर्स होता है। तो हम ये कहते हैं अ वीक फोर्स बिटवीन मोमेंट्री डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंदन फोर्स। क्लियर है डेफिनेशन, ठीक है बेटा। तो ये लंदन फोर्स जो होता है वीक होता है, एंड किन किन के बीच में होता है, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर हम क्या कहते हैं, टू जो नोबल गैसेस के एटम्स हैं उनके बीच में होता है, ठीक है। तो टू होमो एटॉमिक, होमो होने चाहिए, हेट्रोनी, एक हीलियम ले रहे हो दूसरा नियॉन ले रहे हो, ऐसे मत करना, टू
होमोएटॉमिक नोबल एटम्स के बीच में या फिर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जो होता है उसी को आप क्या बोलोगे बेटा, लंडन फोर्स, जो कि वीक होता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो बेटा, लंडन फोर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। लंडन फोर्स का हमेशा पूछा जाता है या फैक्टर्स में से पूछा जाता है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स। ये फैक्टर्स जो हैं वो लंडन फोर्स के मैग्नीट्यूड को या तो इंक्रीज करते हैं या फिर बेटा डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें साइज। देखो बेटा, साइज में हमेशा याद रखना, इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो बेटा अगर स्मॉल साइज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कम है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉय होगा तो भी हमें पता नहीं चलेगा मोमेंट्री डाइपोल की फॉर्मेशन हुई या नहीं। तो क्या होता है बेटा, जितना साइज लार्ज होता है उसमें उतना ही ज्यादा क्या होता है बेटा, लंडन फोर्स। तो साइज में ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर लंडन फोर्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा जितना साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि बेटा जितना साइज लार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रॉय होना है वो उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतने ही ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे एंड मोमेंट्री डाइपोल की फॉर्मेशन होगी, और वो मोमेंट्री डाइपोल नॉन पोलर को पोलर में चेंज कर देगा, दैट मीन्स इंड्यूस्ड डाइपोल, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को आप लंडन फोर्स बोल रहे थे। तो साइज जितना लार्ज होगा बेटा मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, साइज इंक्रीज तो लंडन फोर्स भी इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको क्या, कि आपके पास है इथेन, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये है, या फिर मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे CH4, कार्बन फैमिली। आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे नॉन पोलर ही होंगे, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये शेयर्ड कर लेता है, ट्रांसफर नहीं करता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कार्बन है जैसे सिलिकॉन का अगर मैंने ले लिया, ठीक है, जर्मेनियम का ले लिया, ये सारे क्या है, कार्बन फैमिली के मेंबर है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो बेटा अगर इनमें ऑर्डर पूछा जाता है कि लंडन फोर्स किस में ज्यादा है, तो आप क्या देखोगे, साइज। देखो इथेन में कार्बन कितने बेटा, 2, इसमें 3, ब्यूटेन में कार्बन 4। तो जितने कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं साइज भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो लंडन फोर्स सबसे ज्यादा किस में होगा, ब्यूटेन में, ठीक है, प्रोपेन में कम होगा, इथेन में सबसे कम होगा, ये ध्यान रखना है। ब्यूटेन का लार्ज साइज है इसीलिए लंडन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो इसमें भी देखो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डाउन आ रहे हैं, डाउन आने की वजह से, टॉप से बॉटम आने की वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि न्यू सेल्स इंक्रीज होती है। ठीक है, थर्ड यूनिट में पढ़ा हुआ है आपने। तो बेटा यहाँ पर साइज जर्मेनियम का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, एंड कार्बन का लार्ज साइज होगा स्मॉल स्मॉल। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड किसमें ज्यादा होगा लंडन फोर्स का, दिस वन, कार्बन में सबसे कम होगा क्योंकि इसका साइज स्मॉल होगा। क्लियर, तो फर्स्ट था साइज, एंड बेटा सेकेंड आता है शेप, शेप या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्री, एक ही बात है। ठीक है, आप देखो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या, देखो हम शेप की बात करते हैं तो आपके पास 2 टाइप की शेप होती है, कौन सी, एक तो होती है चेन फॉर्म, ठीक है, और एक होती है बेटा ब्रांच फॉर्म। चेन फॉर्म में क्या होता है, देख बेटा मैंने एग्जांपल लिया है चेन फॉर्म के अंदर एन पेंटेन का,
ठीक है। आप सभी को पता है कि एन पेंटेन, एन मतलब नॉर्मल, वो चीन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें मैं आपसे और चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो पहले एन पेंटेन की स्ट्रक्चर देखते हैं हम कौन कौन सी है। पेंटेन की, सॉरी एन पेंटेन की नहीं, देखो जो पेंटेन होता है इसमें रिटा, देखो एक तो क्या होती है चेन फॉर्म। चेन फॉर्म कैसे होगी, सिंपल CH3 CH2 then CH2 फिर CH2 फिर CH2, ठीक है। जो ये चेन फॉर्म होती है वो कैसी होती है बेटा, जिगजैग लाइक। जैसे जैसे क्या होता है इंक्रीज होता है कार्बन, ये जिगजैग हो जाती है, ठीक है। एंड बेटा एक इसकी होती है आपके पास ब्रांच फॉर्म। ब्रांच जो फॉर्म होती है वो टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, एक होती है आइसो एंड एक होती है बेटा नियो, ठीक है। एक तो ये फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं आइसो पेंटेन। एंड बेटा एक होती है नियो फॉर्म, जिसमें क्या होते हैं ब्रांच ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्या है, नियो पेंटेन। अब अगर हम डिस्कस करें चेन फॉर्म ब्रांच फॉर्म में, तो देखो बेटा अभी हम शेप देख रहे थे, पेंटेन के अंदर बेटा एक है ये वाली एन पेंटेन। इसमें अगर हम देखें तो सरफेस एरिया बेटा लार्ज है इसका, तो हम ये कहते हैं सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उसमें बेटा जितने अट्रैक्ट करने की जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। देखो ये इजीली अनदर और एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है या मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं सरफेस एरिया जितना लार्ज होता है उनमें बेटा जो अट्रैक्टिंग साइट है या फिर कंबाइन होने की जो साइट है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी, मोर होंगी। और जितनी ज्यादा बेटा साइट्स होंगी अट्रैक्टिंग की, उसका जो लंदन फोर्स है वो भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। या मोर, तो बेटा यहाँ पर जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका सरफेस एरिया लार्ज है। यहाँ पर बेटा एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, जितना लार्ज सरफेस एरिया होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना हाई होता है, क्योंकि बेटा सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है, इसके बेस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। तो सरफेस एरिया लार्ज है जिसकी वजह से बेटा इसमें जो अट्रैक्टिंग साइट्स होगी या फोर्स या हम कहीं बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लंदन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड अगर हम यहाँ देखें आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन, तो ये तो थी चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गई ब्रांच। ब्रांच जैसे ही आती है बेटा इसकी शेप कैसी हो जाती है, स्फेरिकल लाइक, स्फेरिकल लाइक है देखो, ठीक है। और स्फेरिकल लाइक शेप में बेटा क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉल हो जाता है। यहाँ पर लार्ज था, यहाँ सरफेस एरिया क्या है, स्मॉल है, सिर्फ स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है जब ये ब्रांच फॉर्म के अंदर आता है। तो इसकी वजह से बेटा जो अट्रैक्टिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, अट्रैक्टिंग साइट वो एज कम्पेयर टू चेन फॉर्म क्या होती है, लेस होती है। और जब ये लेस होगी तो बेटा जो लंदन फोर्स होगा वो भी क्या रहेगा, लेस अमाउंट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मोर अमाउंट में या लार्जेस्ट, वहां पर लेस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या रहेगा, लो, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, स्मॉल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। क्योंकि बेटा जैसे ही सरफेस एरिया कम होता है, देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास तो अट्रैक्टिंग साइट बची नहीं, क्योंकि इसके चारों तरफ ये वाले ग्रुप है और ये वाले ग्रुप क्या आ गए, नियर बाय आ गए, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इनकमिंग जो आएगा आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर वो इसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ खुद क्या है, रिपल्शन है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नियर बाय है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये था
अबंडेंट फोर्स में फैक्टर्स देख लेते हैं हम। तो आपको ध्यान रखना है, साइज में ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट होना चाहिए तभी लंडन फोर्स ज्यादा होगा। एंड शेप में आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा लंडन फोर्स उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट लंडन फोर्स। अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या क्या है देख बेटा। बिना बोले स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने होते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा मैं कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, वो क्या क्या है देखो। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं, रिलेट्स कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना है इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करेगा, नियर बाय लेके आता है। ठीक है, पार्टिकल्स कम्स क्लोज, और जितना क्लोज लेके आएगा बेटा वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। थर्मल एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, पार्टिकल्स है, हम उनको क्या दे रहे, टेम्परेचर दे रहे। तो वो सब्सटेंस क्या करते हैं बेटा, उस टेम्परेचर को, उस एनर्जी को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। और जैसे ही गेन करेंगे बेटा उनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पार्टिकल्स क्लोज आए थे वो भी क्या हो जाते हैं, दूर जाने लग जाते हैं। तो हम ये कहते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। एंड दूर जाएंगे तो बेटा अभी क्या था, सॉलिड, अब वो किस फॉर्म में चेंज होने लग जाएगा, लिक्विड और गैस के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर देना है, तो देखो बेटा आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इंक्रीज होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा रहेगा, गैस में सबसे कम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ये किसका ऑर्डर है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स का। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा है और इसमें सबसे कम है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट है एंड इसमें बेटा लोवेस्ट है। अगर आपसे पूछते हैं कि थर्मल एनर्जी का ऑर्डर देना है, थर्मल एनर्जी, ठीक है, तो देखो बेटा थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैसियस में, सॉलिड में नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड में क्या होता है बेटा, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, और इसमें क्या होना चाहिए, थर्मल एनर्जी में दूर होने चाहिए, सबसे ज्यादा दूर किसमें है, गैसियस में। क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, पार्टिकल एनर्जी को गेन करके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होने लग जाता है इस एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर गैसियस में थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, गैस की सबसे ज्यादा, देन लिक्विड एंड देन बेटा क्या होगा, सॉलिड। ये क्वेश्चन आता है, ऑर्डर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। अगर बेटा ये पूछा जाए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स रिलेट कैसे करते हैं थर्मल एनर्जी से, तो आप ये कहोगे एक दूसरे के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइएस्ट है, तो बेटा गैस में हाइएस्ट क्या होगी, थर्मल एनर्जी। क्लियर, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है मैंने, इसमें सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है थर्मल एनर्जी, एंड बेटा जो थर्मल, ये सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी सबसे क्या होगी, लोवेस्ट होगी सॉलिड के अंदर। क्लियर ये चीज, तो बेटा ये था इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गैसियस स्टेट की बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इनमें मेजरमेंट कैसे होते हैं, देन बेटा गैस के ऊपर लोज दिए गए, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं सबसे पहले गैसियस स्टेट। आपके सिलेबस में बेटा गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट आपकी 12th में आएंगी, ठीक है। एंड लिक्विड स्टेट वाला पार्ट था, लेकिन अब बेटा वो हटा दिया गया, ठीक है। जब आपकी रिवाइज्ड जो सिलेबस आया उसमें लिक्विड वाला पार्ट पोर्शन जो था वो हटा दिया। तो अभी हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं। गैसियस स्टेट के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैसेस हैं, दैट मींस क्या होती है, वेपर, ठीक है। इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड बेटा मैं आपसे कुछ और भी डिस्कस करना चाहती हूँ। आपने 10th में पढ़ा होगा कि जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, आपने सारे पढ़े हुए हैं, उनमें से गैसियस स्टेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। आपने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पढ़े हुए अच्छे से, उनमें देखो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस के, तो वो होते हैं बेटा 11 एलिमेंट। 11 जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसमें होते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर होते, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है बेटा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। एंड बेटा जितनी भी नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस नेम से ही गैसेस है तो वो गैसियस स्टेट के अंदर होती है। वो कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पिप्टॉन, सिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। काउंट करके देखोगे तो 11 ही है। देखो यहाँ पर 5 + 5 + 1 11 हो गए। ये 11 एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर या गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। आप देखो बेटा इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, बहुत सिंपल है प्रॉपर्टी, मैंने डिस्कस भी की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि शेप एंड वॉल्यूम जो है, क्या आप बता सकते हो, नो डिफाइन, ठीक है। दोनों ही चीज डेफिनेट नहीं होती, ना शेप ना वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें इसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, लो होती है, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में भी और सॉलिड के कंपेयर में। थर्ड अगर हम किसकी बात करें, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या होती है बेटा, सबसे हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है बेटा, बहुत सिंपल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल, एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, हाइयर, इसी वजह से कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। एंड बेटा फोर्थ मैं आपसे बात करूं, डिफ्यूजन, बताया था मैंने डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी होती है, गैसेस की होती है, ये डिफ्यूज हो जाते हैं इजिली हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। आप देखो बेटा इसमें ये चीजें तो समझ आ गई, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा इनमें क्या होता है, हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, लोवेस्ट होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टी थी गैसेस की। अब बेटा इनमें हम मेजरमेंट डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मेजर करते हैं मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। फिर हम लॉज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इनका हम मेजरमेंट देखते हैं, और मेजरमेंट में बेटा सबसे फर्स्टली आता है मास। मास आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपके घर में सिलेंडर है, सभी के घर में, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, कंटेनर है वो, ये उसके अंदर क्या फिलअप है बेटा, गैस है।
तो ये जो कंटेनर होगा इसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होता है, एंड गैस फिलअप करने के बाद भी वेट होगा। तो हम ये कहते हैं जो ये कंटेनर है हम क्या करेंगे, इसका वेट लेंगे। इनमें क्या फिलअप है, गैस, गैस फिल है इसमें, ठीक है। हमें क्या लिया, इसका वेट लिया है, या फिर मास, वेट ऑफ कंटेनर जिसमें बेटा गैस फिलअप है। एंड हम क्या कर देंगे, हमने कंटेनर का अगेन वेट लिया। अब ये क्या है बेटा, इनपुटिंग या फिर वेकिंग, इसमें गैस फिलअप नहीं है। तो क्या करोगे, जो गैस फिलअप था जब इसका वेट आया तो हमने वो नोट किया, एंड बेटा जब वो खाली था तो हमने पहले से नोट किया हुआ था, हम क्या कर देंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो वेट आया वो क्या आएगा, एग्जैक्ट वेट आएगा, एग्जैक्ट मास ऑफ गैस, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम मास निकाल सकते हैं, वो किसी भी कंटेनर के अंदर फिलअप होगी और उसकी बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, मास किसी भी गैस का, उसमें जो गैस फिलअप होगी, ठीक है। सेकेंड आता है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा जो वेसल्स होती हैं इनमें गैसेस के फिलअप होती हैं और उन गैसेस की हम वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपको भी पता है, मीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, मिलीलीटर क्यूब है, ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। थर्ड जो होता है बेटा प्रेशर, इम्पॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। तो बेटा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, जिसका बेटा नेम होता है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम मैनोमीटर भी बोलते हैं, मैनोमीटर। तो बेटा जो बैरोमीटर होता है इसके अंदर हम एक लिक्विड फिलअप करके रखते हैं, और वो लिक्विड कौन होता है, मरकरी, HG, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन ये आता है क्या, कि एक तो ये पूछ लेंगे कि प्रेशर को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो उसका नेम बताना आपको, बैरोमीटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जो बैरोमीटर है उसके अंदर हम मरकरी ही फिलअप क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है। देखो बेटा मरकरी जो होती है HG, ये क्या होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है इसकी, हाई। सेकंड वन ये है कि ये कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल। अब इन दोनों पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो बेटा डेंसिटी हाई होगी तो क्या होगा, क्या होता है, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जो बैरोमीटर होते हैं इसमें कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो यू शेप में होती है, तो उसमें कॉलम बने हुए होते हैं इस टाइप से, यू शेप में भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक इसमें सपोज मरकरी फिलअप है, तो यहाँ मरकरी फिलअप होती है, तो ये जो कॉलम्स बने हुए हैं इनकी कुछ ना कुछ बेटा क्या होती है, हाइट होती है। तो क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के, या हम कहें हाइट ऑफ कॉलम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, डेंसिटी जितनी हाई ज्यादा होगी, ये जो कॉलम की हाइट है वो उतनी क्या होगी बेटा, कम, और इजीली हम किसी भी गैस का यहाँ पर प्रेशर ना सकते अगर हाइट कम रही तो, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम क्या कह रहे हैं, नॉन वोलेटाइल। देखो मैंने बेटा आपको बताया था वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जो वोलेटाइल होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड जो नॉन वोलेटाइल है वो गैसेस में कन्वर्ट नहीं होते। ये एक लिक्विड है, ठीक है, तो ये गैसेस में कन्वर्ट नहीं होगा, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो बेटा, अगर ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स रहेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, प्रेशर भी होगा, ठीक है। आपको कैलकुलेट तो करना है कोई इसके अंदर जो गैस फिलअप है उसकी, और बेटा यहाँ कैलकुलेट साथ में और किसका हो जाएगा, मरकरी का भी, तो एग्जैक्ट प्रेशर की वैल्यू नहीं आती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मरकरी यूज में लेते हैं, क्योंकि मरकरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल, इसके वेपर प्रेशर नहीं बनते हैं,
और वेपर प्रेशर नहीं बनेंगे तो जो गैस है उसकी एग्जैक्ट प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर गैस फिलअप होगी ना बेटा, उसकी हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, प्रेशर को। तो प्रेशर जो होता है उसकी जो यूनिट है, हम एटमोस्फेरिक भी लिखते हैं, बार के अंदर भी लिखते हैं, मिलीमीटर के अंदर भी लिखते हैं, तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो मरकरी का क्वेश्चन आता है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो फर्स्ट मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, हाई, क्योंकि जो हाइट ऑफ कॉलम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। देन ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, इस वजह से इसके वेपर प्रेशर नहीं बनेंगे एंड किसी भी गैस के वेपर प्रेशर को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो बेटा, थर्ड आपका प्रेशर हो गया, फोर्थ आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट किया जाता है एंड इंटरकन्वर्टेबल कर सकते हैं हम। आपको भी पता है कैसे, कि जो केल्विन है, फोर्थ आता है बेटा इसका टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जो केल्विन होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये एग्जैक्ट वैल्यू है बट हम लेते 273 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था मेजरमेंट ऑफ द गैसियस स्टेट। कल बेटा हम डिस्कस करेंगे, गैस के ऊपर काफी लोज आए हैं और उनके बेस पे बेटा एक गैस इक्वेशन बनी थी, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा, टेक केयर।